पूरे देश में बिजली, पानी और सड़क की सुविधा का दावा करने वाली सरकार अब बेसुध होकर बैठी है। प्रशासनिक कर्मचारी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, इसकी कोई सुध नहीं लेने वाला है। सड़कों की बात करें तो आज के समय में भी कई गांव ऐसे हैं जहां मुख्य मार्ग ऐसी बदतर स्थिति में है जो कि देखने लायक भी नहीं है। दरअसल एनएच 27 जो कि मनगवा से प्रयागराज को जोड़ता है, उसके बीच में गगेव, गढ़, कटरा व सुहागी जैसे बाजार आते हैं जहां पर लोगों की भीड़ भाड़ काफी रहती है। लेकिन यहां के हाईवे की स्थिति इतनी खराब है कि आए दिन कोई न कोई घटनाएं होती रहती हैं। बरसात के समय में कीचड़ और गर्मियों के समय में धूल की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस रोड के बनने की स्वीकृति दी गई थी और लंबे इंतजार के बाद यह रोड बनी थी। रोड बनने के बाद एनएच 27 को एनएच 30 में बदल दिया गया और बाजार के अंदर जा रहे रास्ते को सीधा एनएच 30 से बाईपास से जोड़ दिया गया। इस वजह से जो पहले एनएच 27 था वह ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आ गया। अब इसकी हालत इतनी दयनीय स्थिति में है कि आए दिन हादसे होते रहते हैं और त्योहारों के दिन भी बाजार में चहल पहल देखने को नहीं मिलती। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेंटर में भी कई बार इनकी शिकायत की गई, लेकिन वहां से इस समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ। इसके अलावा भी कई बार उच्च अधिकारियों से सड़क बनने को लेकर कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन बेसुध अधिकारियों ने अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की। वही रोड बनने के लिए ठेकेदार को कार्य दिया गया था, लेकिन वह कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में क्षेत्र की जनता काफी परेशान है और कई तरह के सवाल शासन और प्रशासन से कर रही है, लेकिन फिर भी शासन और प्रशासन इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। ढीठ बनकर झूठे वादे और दावे कर वोट लेने के लिए तैयार रहते हैं।